i5 का 10th जनरेशन है, 8 GB RAM है, ठीक है, 180 डिग्री देख सकते हैं आप, और 8 GB RAM, 512 SSD है, फुल IPS डिस्प्ले, 14 इंच, M2 का प्रोसेसर है, ओनली 1 मंथ यूज है, सर्विस सेंटर से एप्पल का शोरूम से आपको डायरेक्ट वारंटी मिल जाएगा, ओरिजिनल बॉक्स, ओरिजिनल चार्जर, सभी कुछ मिल जाएगा, एंड वो i3 का 10th जनरेशन है, ये भी 14 इंच में है, ये भी 180 डिग्री चला जाएगा, 8 GB RAM, 512 SSD, और i7 10th जनरेशन अगर आप परचेस करना चाहते हैं, आपको 28,000 से 30,000 के अंदर मिल जाएगा। MacBook Air 2020 का मॉडल है, 8 GB RAM, 256 GB SSD के साथ, ओरिजिनल बॉक्स, ओरिजिनल चार्जर सभी आपको मिल जाएगा। 5 का 10th जनरेशन, इसमें भी आपको डेलिकेटेड ग्राफिक के साथ है, बैकलाइट कीबोर्ड है, 15.6 इंच, IPS डिस्प्ले, कंडीशन बहुत ही फ्रेश है, एक भी स्क्रैचेस नहीं है किसी, i5 11th है, 8 GB RAM है, 1 TB हार्ड डिस्क है, और 256 GB SSD के साथ है, वो थिंक पैड है, i5 का 8th जनरेशन, 8 GB RAM, 256 GB SSD, i7 का 6th जनरेशन, 8 GB RAM, 256 GB SSD के साथ, ये सब अगर परचेस करना चाहते हैं आपको 17,000-18,000 के अंदर मिल जाता है। 2020 का है मैकबुक प्रो है ये, 8 GB RAM, 256 GB SSD है, राइजन 5 5000 सीरीज है, 8 GB RAM, 512 SSD के साथ है। आपको एक एक करके सारे दिखाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन सब लेटेस्ट ही है, ठीक है, स्टॉक का तो कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कम रेंज में लेना है वो भी बहुत सारा स्टॉक भरा है, उसमें से भी कुछ आपको निकाल कर दिखाएंगे, तो वीडियो में लगे रहे आगे तक देखने के लिए एक एक कलेक्शन। हमारे शॉप का लोकेशन है कोलकाता चांदनी चौक ई मॉल, सेकंड फ्लोर, शॉप नंबर 216, आईटी प्लाजा, हमारे शॉप का नेम। ओके, हर रोज खुला रहता है, 7 डेज ओपन है, 11 से रात 8 बजे तक, मंडे टू सैटरडे, संडे 12 बजे से शाम 6 बजे तक ओपन रहता है। वारंटी मिलता है? वारंटी सब में, 1 मंथ फुल वारंटी रहता है, 6 मंथ सर्विस वारंटी, मतलब टेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं, रिप्लेसमेंट करना, रिफंड करना सभी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए फर्स्ट लैपटॉप कौन सा पड़ेगा देखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं डेल, ये आपका i5 का 10th जनरेशन है, 8 GB RAM है, ठीक है, 180 डिग्री देख सकते हैं आप, और 8 GB RAM, 512 SSD है, फुल IPS डिस्प्ले, 14 इंच, बहुत कस्टमर का ज़्यादातर नीड होता है कि 14 इंच में इजी टू कैरी के लिए होता है, तो यहाँ 14 इंच भी रखा है, 15.6 इंच भी रखा गया है, जिसे बड़े स्क्रीन में चाहिए बड़ा मिल जाएगा, जिसे 14 में चाहिए उसे 14 इंच में आ जाएगा, तो ये 8 GB RAM, 512 SSD के साथ है, i5 का 10th जनरेशन, ये सब आप परचेस करते हैं, ये आपको आ जाएगा 24,000 से 26,000 के अंदर मिल जाएगा आपको। जी हाँ, ये वाला मॉडल, और ये है आपका लेनोवो i3 का 10th जनरेशन है, ये भी 14 इंच में है, ये भी 180 डिग्री चला जाएगा, 8 GB RAM, 512 SSD, और सभी अपग्रेडेबल मॉडल है, ठीक है, रैम, हार्ड डिस्क, SSD आपको अपग्रेड करवाना है, आप हमारे शॉप से करवा सकते हैं, तो ये अगर आप परचेस करना चाहते हैं, ये आपको 18,000 से 20,000 के अंदर आ जाता है, i3 का 10th जनरेशन, और ये है i7 का 10th जनरेशन, अगर ग्राफिक के लिए लेना है, एडिटिंग के लिए लेना है, कोडिंग के लिए, NVIDIA ग्राफिक्स डेलिकेटेड आपको साथ ही मिल रहा है इसमें, ठीक है, इसमें अभी 8 GB RAM है, 512 SSD के साथ है, हार्ड डिस्क लगाना है, हार्ड डिस्क भी स्पेस है, वो भी लग जाएगा, 16 GB RAM चाहिए, वो भी हो जाएगा, फुल IPS डिस्प्ले, 15.6 इंच, ठीक है, कंडीशन देख सकते हैं, एक भी स्क्रैचेस आपको नहीं मिलेगा, ये i7 10th जनरेशन अगर आप परचेस करना चाहते हैं, आपको 28,000 से 30,000 के अंदर मिल जाएगा, फ्रेश कंडीशन में, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में, सभी यहाँ कंडीशन ओके है, कुछ वारंटी के अंदर है वो भी दिखाएंगे, और ये देख लीजिए HP का पैविलियन सीरीज है, i5 का 10th जनरेशन, इसमें भी आपको डेलिकेटेड ग्राफिक के साथ है, बैकलाइट कीबोर्ड है, 15.6 इंच, IPS डिस्प्ले, कंडीशन बहुत ही फ्रेश है, एक भी स्क्रैचेस नहीं है किसी में, कलर सिल्वर कलर में है, ये देख लीजिए आप कंडीशन, 8 GB RAM है, 512 SSD है, और साथ ही 1 TB हार्ड डिस्क मिल जाता है इसमें आपको, तो ये अगर आप परचेस करना चाहते हैं, ये आपको मिल जाता है 27,000 से 30,000 के अंदर, ये भी आ जाएगा, और ये है i3 का 11th जनरेशन, HP में है, लाइट वेट है बहुत ही, ठीक है, सिल्वर कलर, IPS डिस्प्ले के साथ, 8 GB RAM है, 256 GB SSD है इसमें, ये अगर आप परचेस करना चाहते हैं, ये आपको आ जाता है 22,000 से 24,000 के अंदर मिल जाएगा, और ये है i5 का 11th जनरेशन, 15.6 इंच में है, ये i3 11th था, ये i5 11th है, 8 GB RAM है, 1 TB हार्ड डिस्क है, और 256 GB SSD के साथ है, ये सब भी आप परचेस करना चाहते हैं 25,000 से 27,000 के अंदर ही मिल जाएगा आपको, और ये i3 का 10th जनरेशन
डेल में है, 14 इंच के साथ है ये, ठीक है। ये आपका कमर्शियल पीस है, लैटिट्यूड का सीरीज है ये सारा। i3 10 जनरेशन, ये भी आपको i3 का 10 जितना भी रहता है, लेनोवो थोड़े कम में आ जाता है, 18,000 में मिल जाता है। डेल या HP मिलेंगे तो वो 19 से 20,000 के अंदर आ जाता है। और अगर आप वीडियो देख करके आ रहे हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट बेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी i3 का 10 जनरेशन ही है, ठीक है। डेल में ये 15.6 इंच, अगर किसी को बड़े साइज में चाहिए तो वो ले सकते हैं। प्राइजेस सबका सेम ही रहेगा, ठीक है, जो कॉन्फिग्रेशन आपको बताया गया है। और अगर कम रेंज में लेना है, विंडोज़ में 10,000 के अंदर लेना है या फिर 10 to 12,000 में लेना है, ये सारा मॉडल आप देख लीजिए। i3 का 6 जनरेशन है, 8GB रैम है, 1TB हार्ड डिस्क है, SSD अभी नहीं लगा हुआ है। अगर आपको SSD लगाना है तो हमारे शॉप से लगा कर मिल जाएगा, कुछ प्राइजेस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर आप परचेस करना चाहते हैं, आपको 12,000-13,000 के अंदर ही आ जाता है। इससे कम रेंज में लेना है, ये आपका i5 का 4 जनरेशन हो गया, i3 का 4 जनरेशन हो गया, बिल्कुल थोड़ा बहुत स्क्रैचेस हो सकता है बट कंडीशन, क्योंकि ये आगे का मॉडल है, ठीक है। बट इसमें आपका ऑफिशियल वर्क जो है आराम से हो जाएगा, नॉर्मल एडिट करना है वो भी आप कर सकते हैं। i5 4th हो गया, i3 4th, तो ये सब आपको 10 to 12,000 के अंदर ही आ जाता है। अब चलिए आते कमर्शियल पीस में। अगर ऑफिशियल वर्क के लिए देखा जाए तो बेस्ट होता है लैटिट्यूड, डेल का, लेनोवो का थिंकपैड और HP का एलीट बुक। तो ये देख लीजिए आप, i5 8 जनरेशन है, 5400 का मॉडल है, 13.3 इंच, 4K वीडियो सपोर्टेबल है, 8GB रैम, 256GB SSD, बहुत ही लाइट वेट है, ठीक है। कैरी करेंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि आप लैपटॉप बैग में भरे हुए हैं। तो ये सब अगर आप परचेस करना चाहते हैं, ये आपको आ जाता है 20,000, ऑनली 20,000 में आप परचेस कर सकते हैं। और इसका अगर मॉडल, हाँ ये आपका 5.4 टच में भी है हमारे पास, तो ये अगर आप लेना चाहते हैं, ये भी 20,000 में आ जाता है, 2021 में विथ टच के साथ, 8GB रैम, 256GB SSD के साथ, ठीक है। कंडीशन बिल्कुल ओके है, ये सब इम्पोर्ट लैपटॉप है, ठीक है। सब में वारंटी हमारे शॉप से रहता है, और एलीट बुक में आपको अगर चाहिए तो उसमें वारंटी रहता है, 1 मंथ फुल वारंटी, 6 मंथ सर्विस वारंटी रहता है, ठीक है। ओरिजिनल सारा ओरिजिनल चार्जर, इसमें आप अगर कंपैटिबल चार्जर लगाएंगे तो सपोर्ट नहीं होता है, तो ओरिजिनल चार्जर के साथ ही सारा कुछ रहता है। ये लेनोवो थिंकपैड है, i5 का 8 जनरेशन, 8GB रैम, 256GB SSD, और इसमें भी सारा अपग्रेडेबल है। 8GB रैम 16GB करना है या 512 SSD करना है, देन आप कर सकते हैं। ये सब आप परचेस करना चाहते हैं, 18 से 20,000 के अंदर आ जाता है। और अगर i7 में चाहिए लाइट वेट में, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये भी 13.3 इंच है, HP का एलीट बुक, फिंगरप्रिंट मिल जाता है आपको, i7 का 6 जनरेशन, 8GB रैम, 256GB SSD के साथ। ये सब अगर परचेस करना चाहते हैं, ये आपको 17-18,000 के अंदर मिल जाता है। और ये है HP एलीट बुक i5 का 8 जनरेशन, इसमें आपको दो मॉडल आ जाते हैं, एक 16GB के साथ और एक 8GB के साथ, SSD दोनों में सेम ही रहता है, ये 256GB। तो अगर ये सब परचेस करना चाहते हैं, 8GB रैम, 256GB SSD, ये आपको आ जाता है 23-24,000 के अंदर, 16GB के साथ, हाँ 16GB के साथ 25 में आपको मिल जाएगा हमारे शॉप से। और ये है HP Elite Book, ये भी i5 का 6 जनरेशन है, जो आपको आ जाता है 16 से 17,000 के अंदर ही मिल जाता है ये सारा मॉडल। और सारे कमर्शियल पीस आपको 8GB रैम, 256GB SSD के साथ ही रहता है, बट ये 6 जनरेशन के अंदर ही आप कोडिंग रीडिंग सारा काम कर सकते हैं, सारा इसमें हो जाएगा आराम से। तो अब यहाँ देखिए मैकबुक में आ जाते हैं, लेटेस्ट कलेक्शन। ऐसे हमारा मैकबुक का स्टार्टिंग प्राइस पता ही है आपको, 15,000 2012 का मॉडल मिल जाता है हमारे शॉप से। जैसे जैसे ईयर आपका जाएगा, 2000 कुछ मॉडल हम आपको दिखा देते हैं, ये सारा आप देख लीजिए, 2017 का सेम लुक और 2015 का सेम ही लुक में आ जाता है। तो ये आपको 8GB रैम, 128 SSD और कुछ 256GB SSD के साथ भी होता है, ठीक है। तो 2017 का अगर आप लेते हैं, 22 से 24,000 के अंदर ही आपको मिल जाता है, और अगर 15 का तो वो 20,000 में आ जाएगा, 128 के साथ आपको आ जाएगा, बिल्कुल। और ये आपका लेटेस्ट है, ये आपका M5 है, 8GB रैम, 512 SSD के साथ है, ठीक है। एयर है ये, बहुत ही लाइट वेट है, 13.3 इंच है, 12 इंच भी बोल सकते हैं आप इसे,
तो ये आपको मिल जाता है 35,000। 35,000 में आपको बहुत ही लाइट वेट, ईजी टू कैरी, काम आपका सारा हो जाएगा, ऑफिशियल वर्क तो होगा ही 100%। और ये आपका मैकबुक एयर 2020 का है, मैकबुक एयर 2020 का मॉडल है, 8GB रैम, 256GB SSD के साथ, ओरिजिनल बॉक्स, ओरिजिनल चार्जर सभी आपको मिल जाएगा इसमें। तो ये सब अगर आप परचेस करना चाहते हैं, ये आपको आ जाता है 38,000 से 42,000 के अंदर ही मिल जाता है, ठीक है। ओरिजिनल चार्जर, बॉक्स, बिल हमारे शॉप का रहेगा, ठीक है। और ये 2020 का है, मैकबुक प्रो है ये, 8GB रैम, 256GB SSD है। आपको i7 में अगर लेना है, i7 में भी मिल जाएगा, ये सब आपको आ जाता है 42,000 से 45,000 के अंदर मिल जाता है, ठीक है। हाँ, कोई स्क्रैचेस नहीं मिलेगा, और अगर डेंट इनकेस किसी मैकबुक में अगर रहा भी तो वो प्राइजेस लेस रहेगा, आपके पास ऑप्शन रहता है, अगर आपका आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, गुड कंडीशन में भी है, डेंट है तो उसमें आपको अमाउंट कम मिल जाता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये M2 का प्रोसेसर है, ओनली 1 मंथ यूज्ड है, सर्विस सेंटर से, एप्पल का शोरूम से आपको डायरेक्ट वारंटी मिल जाएगा, ओरिजिनल बॉक्स, ओरिजिनल चार्जर सभी कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये आप परचेस करना चाहते हैं, ये आपको आ जाता है 75,000 से 80,000 में। ये आपका M2 8GB रैम, 256GB SSD के साथ है, ये 13.3 इंच का है। अब अगर आपको मैकबुक एयर M2 में 15.6 इंच में लेना है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, ओरिजिनल बॉक्स चार्जर के साथ है, सेम ही प्राइस है, आप ये भी ले सकते हैं अगर बड़े डिस्प्ले में चाहिए आपको। ऑप्शन सभी लैपटॉप मैकबुक में सभी में ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और साथ ही डेस्कटॉप से रिलेटेड आपको असेंबल करवाना है या फिर यूज लेना है वो भी मिल जाएगा, एसेसरीज, आपका लैपटॉप सर्विस करवाना है इंस्टेंट यहाँ से हो जाता है, तो आपको मोबाइल और लैपटॉप से रिलेटेड जो भी काम है एक ही शॉप में आएंगे तो सारा कंप्लीटेड हो जाएगा। और एक आप देख लीजिए, ये आपका बॉक्स पैक, ये ओनली 3 मंथ वारंटी है, HP का है, राइजन 5 5000 सीरीज में है ये, जी हाँ, आपको सर्विस सेंटर से डायरेक्ट वारंटी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन बिल्कुल ओके है, स्क्रैचलेस से एक भी स्क्रैचेस नहीं आएगा, नहीं मिलेगा आपको, ओरिजिनल बॉक्स, ओरिजिनल चार्जर के साथ है, 15.6 इंच, राइजन 5 5000 सीरीज है, 8GB रैम, 512 SSD के साथ है। कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपका जो भी काम है, एडिटिंग वगैरह का, ग्राफिक का काम है, सारा कुछ हो जाएगा, 5000 सीरीज का है ये, तो आप इसे बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी आप कर सकते हैं। तो ये राइजन 5 5000 सीरीज अगर आप परचेस करना चाहते हैं, देन ये आपको मिल जाएगा 28,000 से 32,000 के अंदर ही आ जाएगा, अंडर वारंटी, यस बिल्कुल। हाँ, ये सारा मैकबुक एक एक करके, वैसे तो मैंने आपको इसको बता ही दिया है कॉन्फ़िगरेशन क्या रेंजेस में आएगा, ये जैसे कि आप देख सकते हैं मैकबुक प्रो है, ठीक है, i7 का प्रोसेसर है, 16GB रैम और 512GB SSD के साथ है, 2015 का मॉडल है ये, अगर आप परचेस करना चाहते हैं ये आपको मिल जाता है 35,000 के अंदर। रेटिना डिस्प्ले है, 15.6 इंच में है, एडिटिंग वगैरह के लिए आप इसे ले सकते हैं बिल्कुल। और अगर 360 में चाहिए HP या डेल में, वो भी अवेलेबल है, ये i3 का 7th generation है, 4GB रैम, 256GB SSD के साथ है ये, तो ये सब आप परचेस कर सकते हैं, टच स्क्रीन के साथ आपको मिल जाता है 15,000 से 16,500 के अंदर ही आ जाएगा। और यहाँ डेल में देख सकते हैं कुछ है जो 12,000 में भी आ जाएगा, ये आपका i3 का 6th generation है, ठीक है, और इसमें आपको i3 4th generation भी मिल जाता है, तो ये सब प्राइसेस आपको कम में आ जाएगा, 4th generation आ जाता है, 12,000 के अंदर ही मिल जाएगा आपको। और लैटिट्यूड में अगर i5 4th generation या 5th generation आप परचेस करना चाहते हैं, ये सब आपको मिल जाता है 14,000 13,000 के अंदर ही आ जाता है, 8GB रैम, 256GB SSD के साथ है। तो कलेक्शन बहुत सारा है, जितना दिखाएंगे आप, बस आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो मैटर करता है, क्या यूजर्स के लिए चाहिए आप बता सकते हैं, डायरेक्ट हमारे शॉप पे विजिट कर सकते हैं, जितना कलेक्शन है आपको एक एक करके सारा दिखाया जाएगा आपके बजट के हिसाब से, आपके यूजर्स के हिसाब से। हाँ, अगर आपका लैपटॉप है उसे बहुत पुराना हो गया या फिर आप उसे एक्सचेंज करके कुछ लेटेस्ट में लेना चाहते हैं
हो जाएगा बिल्कुल। अगर आपको रिफंड अमाउंट चाहिए सेल करके वो भी मिल जाता है, एक्सचेंज में चाहिए लैपटॉप वो भी मिल जाता है। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन। हाँ सारा सॉल्यूशन है। तो लास्ट के मैसेज, बस अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और ये चैनल देख करके अगर आप आ रहे हैं तो आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू मैम, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जी हाँ।